हापुड़ की गढ़रोड पर स्थित नवीन मंडी स्थल पर सोमवार को धान की आवके में भारी इजाफा होने से मंडी स्थल के पास यातायात अवरुद्ध हो गया और नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एम्बुलेंस भी जाम में फंस गई। ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए कई दरोगा पुलिसकर्मी मैदान में उतरे, लेकिन धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियां और अन्य खाद्य पदार्थों से भरे वाहनों के मंडी में प्रवेश से जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। हापुड़ नवीन मंडी स्थल पर वाहनों का प्रवेश मुख्य द्वार और गेट दो से होता है, लेकिन सोमवार को नवीन मंडी स्थल के गेट दो को बंद कर दिया गया और मंडी में वाहनों के प्रवेश के लिए सिर्फ मुख्य द्वार को ही खुला रखा गया। नवीन मंडी स्थल पर गुड़, खाद्यान्न, तिलहन, धान और आलू प्याज, हरी सब्जियाँ व फल आदि का कारोबार होता है। सोमवार को सप्ताह का प्रथम दिन होने और मौसम खुला होने से कृषि जिंसों से लदे वाहनों की लाइन गढ़ रोड पर लग गई और मंडी में प्रवेश के लिए वाहनों को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ा, जिस वजह से गढ़ रोड पर ट्रैफिक अवरुद्ध हो गया और पुलिस को भारी मशक्कत करनी पड़ी। नवीन मंडी स्थल के गेट नंबर दो के बंद होने के कारण पर मंडी सचिव की प्रतिक्रिया नहीं मिली। पुलिस हस्तक्षेप के बाद ही मंडी का गेट दो खोला गया, तब कहीं जाकर राहत मिली।